साउथ इंडियन सिनेमा के मशहूर नाम नंदमूरी तारक रामा राव की बायोपिक अगले साल यानी 2019 की शुरुआत में रिलीज होने जा रही है। फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन भी नजर आएंगी। फिल्म में विद्या बालन एनटीआर की पत्नी बासवतार कम का किरदार निभाती हुई दिखाई देंगी। लंबे समय के इंतजार के बाद फिल्म का ट्रेलर सामने आ गया है। खबर के मुताबिक 9 जनवरी 2019 को फिल्म का पहला पार्ट रिलीज हो रहा है। इस पहले पार्ट का नाम कथानायकुडू रखा गया है। रिलीज होने वाले इस पार्ट में एनटीआर के फिल्मी करियर को दिखाया जाएगा, तो वहीं दूसरे पार्ट में एनटीआर के राजनीतिक करियर को फिल्मी पर्दे पर दिखाया जाएगा। फिल्म का दूसरा पार्ट 24 जनवरी 2019 को रिलीज किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि एनटीआर आंध्र प्रदेश के 7 साल तक सीएम रहे थे। इस फिल्म में बॉलीवुड के कई कलाकार काम कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है विद्या बालन का। इसके अलावा रकुल प्रीत सिंह भी फिल्म में नजर आएंगी। खबर के मुताबिक फिल्म में रकुल प्रीत सिंह श्रीदेवी की भूमिका में दिखाई देंगी। एनटीआर का किरदार उनके बेटे नंदमूरी बालकृष्ण निभा रहे हैं। साथ ही फिल्म बाहुबली में भल्लाल देव की भूमिका निभाने वाले राणा दगुबत्ती एनटीआर के दामाद आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के रोल में दर्शकों के सामने होंगे। हमेशा करीना कपूर खान अपने पति सैफ अली खान की तारीफ करती ही नजर आती हैं। उन्होंने अपने जज्बात जाहिर करते हुए ये भी कहा है कि उन्हें सैफ अली खान से अच्छा पति मिल ही नहीं सकता। सैफ अली खान पत्नी को सभी बातों पर सपोर्ट करते हैं। वहीं करीना को अपने पति में ये कमी नजर आती है, जिसे पूरा करने के लिए वो सैफ को सनी लियोनी के पति डैनियल वेबर से मिलवाना चाहती हैं। आपने सही सुना, रेडियो शो व्हाट वुमेन वांट विद करीना कपूर में करीना ने ये बात कही। दरअसल सनी लियोनी उनके शो की मेहमान बनी थी। करीना से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो पति के रूप में डैनियल को पाकर बेहद खुश हैं। सनी कहती हैं, डैनियल बेटी निशा का ख्याल रखने में पूरी मदद करते हैं, फिर चाहे डायपर बदलना हो या फिर खिलाने पिलाने की बात हो। सनी की बात सुनकर करीना ने कहा कि वो जरूर सैफ को डैनियल से मिलवाना चाहेंगी। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस शो के दौरान करीना अपने पति सैफ की तारीफ करती नहीं थक रही थी। करीना की माने तो न केवल सैफ उन्हें अच्छी तरह से समझते हैं, बल्कि वो उनसे बहुत प्यार भी करते हैं। करीना अपने रेडियो शो पर ये भी बात स्वीकार कर चुकी हैं कि जब वो शूट पर होती हैं, तो सैफ घर पर ही रहते हैं और तैमूर को संभालते हैं। समय बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार सफल फिल्मों के रथ पर सवार हैं। वो जिस फिल्म को हाथ लगाते हैं वो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो जाती है। हाल ही में रिलीज हुई उनकी 2.0 के बॉक्स ऑफिस आंकड़े हम सभी को पता है। अगर अक्की की आने वाली फिल्मों की बात की जाए तो वो लिस्ट भी काफी धमाकेदार है। चलिए देखते हैं अक्की की आने वाली 7 फिल्में। केसरी अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार सारागढ़ी में लड़ी गई लड़ाई की कहानी को पेश करेंगे। अक्षय कुमार के साथ केसरी में परिणीति चोपड़ा भी नजर आएंगी। हाउसफुल 4, अक्षय कुमार ने हाउसफुल 4 की शूटिंग हाल ही में खत्म की है। साजिद नलियादवाला के बैनर तले बनी इस फिल्म से दर्शकों को फुल ऑन एंटरटेनमेंट की उम्मीद है। पृथ्वीराज चौहान बायोपिक, अक्षय कुमार इस फिल्म के लिए यशराज बैनर से हाथ मिला रहे हैं। गुड न्यूज, धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही गुड न्यूज में अक्षय कुमार, करीना कपूर खान, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी जैसे कलाकार दिखाई देंगे। मंगलयानम, फिल्म मंगलयानम को आर बाल की प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें अक्की के साथ विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा और तापसी पन्नू जैसे कलाकार काम करेंगे। हेरा फेरी 3, अक्षय कुमार हेरा फेरी सीरीज से शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं।
फिल्म में अक्षय, सुनील और परेश रावल की तिकड़ी को खूब पसंद किया जाता है। सुनने में आ रहा है कि जल्द ही हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू हो जाएगी। क्रैक। डायरेक्टर नीरज पांडे ने अक्षय कुमार की इमेज बदलने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुछ समय पहले ही अक्की ने ये ऐलान किया था कि वो जल्द ही क्रैक फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। हालांकि काफी समय से ये फिल्म बंद ही पड़ी हुई है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।